दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया वन के दूसरे पार्ट में कार्तिक आर्यन ने जो काम किया उससे सभी लोग कार्तिक की एक्टिंग से काफी खुश हुए थे और इसी का फायदा उठाकर वो फिर से इसका तीसरा पार्ट निकाल रहे हैं। दोस्तों, भूल भुलैया के तीसरे पार्ट में भी कार्तिक को देखकर काफी लोग खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार के फैंस इस बात को लेकर अभी भी नाराज हैं। दोस्तों, भूल भुलैया 3 के अनाउंसमेंट के बाद से लोग अक्षय कुमार की इस पुरानी क्लिप को ट्विटर पर ट्रेंड करवाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, लोग पहले ही हेरा फेरी 3 की खबर सुनकर खुश थे, लेकिन अगर भूल भुलैया 3 में भी अक्षय कुमार होते तो ये अक्षय के फैंस के लिए डबल धमाका हो जाता। दोस्तों, कार्तिक की शहजादा के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद से उनको एक अच्छी फिल्म की जरूरत थी और भूल भुलैया का अनाउंसमेंट करके उन्होंने मौके पर चौका मार दिया। दोस्तों, अगर अक्षय कुमार भूल भुलैया 3 में होते तो शायद ये फिल्म एक बड़ा रिकॉर्ड बना सकती थी, लेकिन इस बार कार्तिक यानी रूह बाबा भूत को भगाने नहीं आए बल्कि उनके अंदर ही आत्मा घुस चुकी है। दोस्तों, फिलहाल इस फिल्म की स्टार कास्ट पर काम चल रहा है। फिल्म में पुराने एक्टर तो नजर आएंगे ही, साथ में अगर अक्षय कुमार का कैमियो इस फिल्म में देखने को मिल जाए तो ऑडियंस पागल हो जाएगी। फिलहाल भूल भुलैया 3 को लेकर अक्षय का कहना है कि वो इस फिल्म को इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको उतनी फीस नहीं मिलती जितनी वो फिलहाल दूसरी फिल्मों से ले रहे हैं, लेकिन वो कार्तिक आर्यन के काम को लेकर खुश हैं और उनकी काफी तारीफ भी करते हैं। दोस्तों, हमें लगता है कि अक्षय को रीमेक फिल्मों की जगह अपनी पिछली फिल्मों पर काम करना चाहिए, लेकिन फिलहाल हेरा फेरी 3 को लेकर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है और इसका एक टीजर हमें जल्दी देखने को मिलेगा। दोस्तों, आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि भूल भुलैया 3 में कार्तिक यानी रूह बाबा की हेल्प करने पुराने वाले रूह बाबा अक्षय कुमार की वापसी हो जाए, क्योंकि फिलहाल अक्षय को भी ये समझ आ गया है कि ऑडियंस उनको फिर से पुराने अवतार में देखना चाहती है। दोस्तों, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।